दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेपाल बॉर्डर है इधर, और इधर इंडिया है, और वहाँ देख सकते हैं कि दारू का भट्टी भी है, मतलब दारू का दुकान भी है। कुआड़ी मार्केट में है अभी, अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ चलते हैं, अभी जाएंगे आगे और थोड़ा सा मार्केट में काम है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कुआड़ी, तो कुआड़ी की व्यू दिखाएंगे। फिलहाल अभी मैं अपना दुकान में हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं अपना बैग निकाल लिया हूँ। इधर रबीन भाई के साथ में लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से कुआड़ी का व्यू, और कुछ रास्ता का लोकेशन दिखाएंगे जो कि नेपाल बॉर्डर होते हुए हम रुक जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ दोस्तों आप लोग का आगे दिखाने के लिए, फिर बने रहिए। देख सकते हैं कि आगे SSB कैम्प था, और यहीं पर एक घटना हुआ था कि जो दो आदमी एक्सपोर्ट डेट किया था। और यहाँ से हम चलते हैं अभी कुआड़ी, कुआड़ी की व्यू दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कि SSB कैम्प में कितना हरा भरा सारा गाछ लगा हुआ है इधर, और यहाँ भी ऑफिस है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और यहाँ से बगल में ही नेपाल बॉर्डर है, मात्र 0.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेपाल बॉर्डर का भी आप लोग को भी दिखाएंगे चलते चलते। तो यहाँ से अभी कुआड़ी के लिए हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो कुआड़ी का भी व्यू थोड़ा सा दिखाएंगे, और कुछ काम भी है मार्केट में, तो मार्केट का काम भी कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जो कि हम रबीन भाई दोनों, रबीन भाई किस लिए साथ में लिए कि क्योंकि अकेला वीडियो बनाने में भी नहीं बनता है, मन भी नहीं लगता है रास्ता में चलने में, तो दो भाई रहेंगे तो एकदम गप सप करते हुए चले जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं SSB सब गश्ती करने के लिए जा रहा है। तो चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने के लिए, बने रहिए मेरा। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेपाल बॉर्डर है इधर, और इधर इंडिया है, और वहाँ देख सकते हैं कि दारू का भट्टी भी है, मतलब दारू का दुकान भी है। और इधर इंडिया में दारू नहीं मिलता है, नेपाल में उधर साइड में दारू मिलता है। जो हम आएंगे एक दिन तो आप लोग को दिखाएंगे कौन कौन ब्रांडेड यहाँ दारू मिलता है, तो हम लोग तो पीते नहीं है लेकिन दिखा सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं ट्रेवल के लिए कुआड़ी, तो आप लोग को कुआड़ी के व्यू दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल देख सकते हैं कि इधर नेपाल है, इतना पास में नेपाल है, इधर ये पास में नेपाल है और इधर इंडिया है, और इधर ये इंडिया का रूट है, उधर ये नेपाल का, जो मकई तक देख सकते हैं सुखारा है वहाँ पे, वो नेपाल पड़ता है और इधर इंडिया पड़ता है। और देख सकते हैं कितना करीबी है, और कोई भी दारू उधर पिएगा इधर आ जाएगा इंडिया में घुस जाएगा, लेकिन इंडिया में पुलिस तैनात रहता है, उसको पकड़ के तुरंत जेल में ले चले जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा आप लोग, यदि आते हैं बॉर्डर घूमने के लिए दारू नहीं पीजिएगा, वही ठीक रहेगा, क्योंकि इधर हमेशा चेकिंग चलता है। और यहाँ देख सकते हैं नेपाल, अभी नेपाले बॉर्डर में आप लोग को हम दिखा रहे हैं, इधर जैसे वो सब घर है जितना नेपाल पड़ता है और इधर इंडिया पड़ता है। तो यहाँ से हम अभी चलते हैं, देख सकते हैं SSB सब यहाँ पे गश्ती करता है, और यहाँ से चलते हैं आप कुआड़ी, कुआड़ी का व्यू दिखाएंगे, बने रहिए बिल्कुल। गरैया चौक में है जो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और यहाँ से थोड़ा दूर में फिर एक SSB कैम्प है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे SSB कैम्प होते हुए हमको कुआड़ी जाना है, तो कुआड़ी के व्यू आप लोग को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गरैया का बस्ती का व्यू अभी आप लोग को फिलहाल हम दिखा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे और आप लोग को व्यू दिखाने के लिए, बने रहिए। देखते हैं गरैया, यहाँ पे SSB कैम्प भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, और चलते हैं यहाँ से आगे आप बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं कि ये पुला जो है ना, बहुत दिन से तैयारी हो रहा है, लगभग 1.5 साल हो गया है, अभी तक ये पुला नहीं तैयारी हुआ है, और हम लोग को अभी नीचे दे के जाना पड़ता है। और यहाँ टू लेन जो बन रहा है, तो टू लेन जब चालू होगा तो ये पुला फैलनी चालू हो जाएगा, तो अभी काम चल रहा है रोड का इसीलिए। तो देख सकते हैं यहाँ से, तो चलते हैं अभी आप मार्केट कुआड़ी का भी दिखाएंगे आप लोग को, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल कुआड़ी पहुँचने वाले हैं, थोड़ा देर में हम लोग पहुँच जाएँगे कुआड़ी, तो कुआड़ी का व्यू आप लोग को जरूर दिखाएंगे, जो बने रहिए। दोस्तों हम लोग अभी कुआड़ी में पहुँच चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि अब ये मेन रोड है कुआड़ी का, तो यहाँ हम मेन रोड से मतलब नीचा उतरेंगे, और उधर हम सीधे चले जाएंगे तो लंबा रूट पड़ेगा, इधर से चलो। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से अब कुआड़ी नज़दीक ही है, अभी हम कुआड़ी मतलब पहुँच गए हैं, और अभी मतलब थोड़ा देर ही बाकी रहेगा, बस दो मिनट के अंदर में कुआड़ी मार्केट के अंदर चले जाएँगे, तो आप लोग को दिखाएँगे ज़रूर भी कुआड़ी मार्केट का। यहाँ देख सकते हैं कुआड़ी मार्केट, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, और ख़ास करके कुआड़ी मार्केट नेपाल से जुटे हुए हैं, इसके बगल साइड में नेपाल बॉर्डर भी है, तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक काफ़ी आता है, और बहुत बड़ा मार्केट भी है कुआड़ी। तो चलते हैं यहाँ से कुआड़ी मार्केट के अंदर का व्यू दिखाएंगे, जो कि आप लोग पिछले वाले वीडियो में भी दिखाए थे,
और अभी भी आप चलते हैं क्वारी मार्केट, तो क्वारी मार्केट का व्यू दिखाएंगे, बने रहिए मेरा वीडियो। देख सकते हैं कि हम क्वारी मार्केट फाइनली पहुंच चुके हैं और यहां से आप लोग को दिखा देते हैं कि क्वारी मार्केट कितना बड़ा मार्केट है, और आगे चलेंगे तो आगे का व्यू दिखाएंगे आप लोग को। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और आगे थोड़ा सा इधर देख सकते हैं, इधर हलिया भी लगता है और इधर मार्केट है और मेन मार्केट और भी है आगे, तो आगे भी दिखाएंगे, इधर से देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ से और आगे दिखाने के लिए, फिर बने रहिए मेरा वीडियो। हम अपना काम कर लेते हैं, इसके बाद रवीन भाई को भी काम है, तो इधर हम चलेंगे इस साइड। तो ये साइड अभी फिलहाल जाना है हमको, और उधर थोड़ा सा चांदी सोना का काम है, चंदन भैया का दुकान है, तो थोड़ा सा दुकान में जाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, वहाँ से निकल कर फिर आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग बने रहिए, चलते हैं यहाँ। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे सामान ले लिए चंदन भैया के दुकान में, और यहाँ से चलते हैं अभी रवीन भाई किताब का सामान लेगा, किताब पार्टी जो भी बच्चा सबका पढ़ाई का, तो फिर चलते हैं यहाँ से। देख सकते हैं अभी क्वारी मार्केट में है, अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ से चलते हैं, अभी जाएंगे आगे और थोड़ा सा मार्केट में काम है, तो कुछ सामान ले लेंगे, फिर इसके बाद फिर वीडियो के एंड कर देंगे, कहा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं करने के लिए चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम क्वारी मार्केट का व्यू दिखा रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी विकसित हो गया है क्वारी मार्केट, जो अभी आप लोग देख सकते हैं, क्वारी मार्केट का आप लोग को व्यू दिखाएँ। और यहाँ पर कॉपी किताब सब चीज़ मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई यहाँ पर रखता है, तो अभी रवीन भाई कॉपी किताब जो पेन तेन ले रहा है यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ ले कर फिर आगे चलेंगे, तो आप लोग को आगे का व्यू दिखाएँगे, बने रहिए मेरा वीडियो। तो उधर का काम हो गया है और यहाँ देख सकते हैं क्वारी मार्केट का व्यू दिखा रहे हैं अभी, जो कि काफ़ी विकसित हो गया क्वारी मार्केट। और चलते हैं दोस्तों फिर आप घर के तरफ, तो वीडियो एंड कर देंगे, काफ़ी टाइम से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अभी आप लोग को दिखाएं, तो चलते हैं इसे यहाँ से आगे, तब फिर दिखाने की बने रही हूँ। इसी में देख सकते हैं कि अभी क्वारी मार्केट का व्यू कितना अच्छा लगता है देखने में, तो अभी हम आप लोग को क्वारी मार्केट का व्यू दिखाएँ और यहाँ से चलते हैं, फिर आप वीडियो को एंड कर देंगे, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं वीडियो, देख सकते हैं यहाँ। तो अभी हम हटिया में घूम रहे हैं, इधर हटिया का व्यू हो गया और यहाँ से आगे चलते हैं अब घर, तो हटिया का व्यू भी आप लोग को सोचें कि थोड़ा सा दिखा दे इधर, और चलते हैं यहाँ से आगे, फिर बने रहिए मेरा वीडियो। देख सकते हैं कि हम कुआड़ी से गरैया आगे हैं, और गरैया देख सकते हैं ये मस्जिद है, काफ़ी नामी गामी मस्जिद है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा रहता है, मतलब यहाँ जितना गरैया एक जो मुसलमान बस्ती है काफ़ी लंबा चौड़ा है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं आप लोग को, कितना बड़ा यहाँ गरैया बस्ती है, और यहाँ मस्जिद जो देख रहे हैं कितना शानदार मस्जिद बनाया गया है यहाँ पे, और इधर देख सकते हैं गरैया का व्यू। तो दोस्तों यहाँ से अब हम निकलेंगे थोड़ा देर में, तो वीडियो को एंड कर देंगे, हम कुआड़ी से अभी फ़िलहाल आए हैं, तो यहाँ का मस्जिद का व्यू दिखा दिए आप लोग को, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मस्जिद यहाँ पर देखने में, चलते हैं दोस्तों फिर यहाँ से आगे, बने रहिए मेरा व्यू। फैनली दोस्तों मैं देख सकते हैं कि फैनली अपना दुकान पे पहुंच गया हूं, यहां पे देख सकते हैं जो कि कुआड़ी का मेरा काम था, तो कुआड़ी से काम कर लिए हैं और फैनली मैं अपना दुकान पहुंच गए हैं, तो अभी आप लोग को हम दिखाएं। और दोस्तों अभी फिर आप यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वेलकम घंटी ऑल पर दबा के सेट कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आप लोग को मेरा वीडियो को मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ में, ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।